पीथमपुर में पिछले हफ्ते हुई 3 लाख से अधिक की लूट का पुलिस ने 7 दिन में खुलासा कर दिया। आज प्रेस वार्ता में जिले के एसपी ने बताया कि पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 थाना में 7 अगस्त को किराना व्यवसायी के कर्मचारी से 3 लाख से ज्यादा की लूट की घटना दिन दहाड़े हुई थी, जिसमें कर्मचारी से लूट के साथ ही उसे गोली भी मारी गई थी। पुलिस ने आसपास के कैमरे व संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद जो कहानी निकली वह चौंकाने वाली थी। व्यापारी का कर्मचारी ही इस पूरी घटना का षड्यंत्रकारी निकला, जिसने अपने 6 अन्य साथियों के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 मोटरसाइकिल, 1 बैग और लूटे गए 2 लाख के करीब रुपये बरामद कर न्यायालय में पेश किया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। आज धार पुलिस सभागृह में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, उसमें 7 अगस्त को थाना सेक्टर 1 पीथमपुर में हुई घटना, जिसमें सोनी ट्रेडर्स के कैशियर जिससे 3,35,000 रुपये लूटे गए थे, उसका आज खुलासा किया गया है। इसमें हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई सेक्टर 1 और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें टेक्निकल एविडेंस, मुखबिर और सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद करीब 8 आरोपी आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में 7 आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं, उनसे 3 मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त हथियार और करीब 2 लाख रुपये रिकवर किए गए हैं। इस घटना का मूल कारण ये रहा है कि जो कैशियर था शेखर चंदेल, उसने स्वयं इस घटना को रोहित नाम के एक लड़के के साथ प्लान किया। इसने करीब 1 वर्ष पूर्व एक चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया था, जिसमें घाटा होने के कारण इसने ये प्लान बनाया कि अपनी ही स्वयं की लूट कराकर और ये उसकी भरपाई करना चाह रहा था। इसमें करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।